गाइस, वेलकम बैक टू क्रेजी टीवी 24। वेल दोस्तों, शहनाज गिल आप सभी को पता है कि अनाथ आश्रम गई थी और वहाँ जाकर शहनाज से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें फैंस को समझ में आई कि शहनाज किस तरीके से खुशियाँ ढूंढने निकली हैं, किस तरीके से उन लोगों को देखकर उनको भी कहीं ना कहीं सुकून मिलता है कि बहुत सारा दुनिया में दुख और दर्द है तो मेरा दर्द क्या है। जी हाँ, इस तरीके से शहनाज गिल बहुत सारी बातें करते हुए नजर आई। बहुत ही मैच्योरिटी के साथ शहनाज गिल दिखाई दी हैं सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद। आप सभी को याद होगा शहनाज गिल जब पहले कैसे बात करती थी और अब उनके बातों करने का तरीका और हर चीज़ में एक अलग ही लेवल दिखाई देता है। मतलब बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मैच्योर हो गई हैं। कुछ बातें तो उनकी सिद्धार्थ के जैसे लगती हैं। जी हाँ, और अब आपको बता दें कि इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के न्यूज़पेपर में हेडलाइन आई है सामने। जी हाँ, न्यूज़पेपर पे आया है, सिद्धार्थ के निधन के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखी। इसके साथ ही ताता है, अनाथ बच्चों से मिली शहनाज गिल। बिग बॉस 13 की फेम जानी मानी पंजाबी एक्ट्रेस शहनाज गिल अपने बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ शुक्ला को खो देने के बाद पहली बार किसी पब्लिक प्लेस पर दिखाई दी है 3 महीने के बाद। इसके साथ ही साथ इसमें लिखा है कि तस्वीरों के जरिए देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से शहनाज गिल जो है दूसरों को मुस्कुराते हुए देखकर खुद को खुश कर रही हैं। खुद को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका यही कि दूसरों को खुशी होते हुए देखना। आप दूसरों को खुश करें तो आप भी खुश होंगे। इस तरीके से शहनाज गिल की काफ़ी सारी बातें इस आर्टिकल के दौरान लिखी गई हैं और शहनाज सच में बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई हैं। मैंने पहले भी कहा था कि शहनाज अब शायद वो वाली शहनाज आपको ना दिखाई दे, एक अलग ही शहनाज दिखाई देगी। कहते थे ना कि शहनाज में सिद्धार्थ, तो वही हो देखने को मिल रहा है कि शहनाज में अब सभी को सिद्धार्थ देखने को मिल रहा है। उनकी बातें, उनके बोलने का नज़ाक का तरीका, हर चीज़ सेम टू सेम सिद्धार्थ के जैसा लहजा लगने लगा है। फिलहाल क्या कहना है आपका, कमेंट में अपनी राय ज़रूर व्यक्त करिएगा। साथ ही साथ आगे के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।